लीफ सिमिलर ट्रीज। इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है। हमें इस बाइनरी ट्री की सारी लीव्स को कंसीडर करना है, किस ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा, जैसे इसकी अगर लेफ्ट टू राइट कंसीडर करें, 6 7 4 9 8, ये सीक्वेंस बनेगा। इसको कह रहे हैं ये लीफ वैल्यू सीक्वेंस। तो इस तरह से हमें दो बाइनरी ट्री दिए जाएंगे, जैसे हमें यहाँ पर दो बाइनरी ट्री दिए हुए हैं। अगर इन दोनों का लीफ वैल्यू सीक्वेंस सेम है, यानी कि सारी लीव्स लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में सेम है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर सेम नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे अगर इसमें देखें लीफ सीक्वेंस क्या बनेगा, 6 7 4 9 8, इसमें क्या बनेगा, 6 7 4 9 8, सेम ही बन रहा है, तो इस केस में हमें ट्रू रिटर्न करना है। और अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें, इसमें इसका लीफ सिक्वेंस क्या बनेगा, 2 3 3, और इसका लीफ सिक्वेंस क्या बनेगा, 3 3 2, यानी कि डिफरेंट लीफ सिक्वेंस बन रहा है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो सिंपली इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, जो भी हमें बाइनरी ट्री दिया हुआ है उसके लीफ सीक्वेंस को स्टोर करना है, सिमिलरली दूसरे बाइनरी ट्री के लीफ सीक्वेंस को स्टोर करना है, दोनों को कंपेयर करना है। अगर दोनों सेम है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अब हम एक बाइनरी ट्री की लीव्स को लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में स्टोर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, और ट्रैवर्स करते हुए जब भी हमें लीफ नोड मिलेगी तो उसे स्टोर करना पड़ेगा। लीफ नोड हमारी क्या होगी, जिसका ना कोई लेफ्ट चाइल्ड हो ना कोई राइट चाइल्ड हो, लेफ्ट राइट दोनों ही चाइल्ड नन हो। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें लेफ्ट टू राइट इस ऑर्डर में लीव्स को स्टोर करना है, जैसे 6 के बाद 7, इसको हमें स्टोर करना है। तो हम इस पर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल नहीं लगा सकते, लेवल ऑर्डर लगाते तो ये क्या स्टोर कर लेती, 6 फिर 9 फिर 8 और फिर 7 और 4 स्टोर करती, और इसमें क्या करती, 6 7 4 9 और 8, इस तरह से स्टोर करती। हमारी लीफ का ऑर्डर सेम है, लेकिन अगर हम इस पर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे तो हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो हम इस पर क्या लगा सकते हैं, हमारा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। वो क्या करता है, पहले आपका लेफ्ट पर जाएगा, फिर राइट पर जाएगा, फिर आपकी रूट पर जाएगा। अगर हम इस पर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले 3 ट्रैवर्स होगा, फिर 5 ट्रैवर्स होगा, फिर हमारा ये 6 ट्रैवर्स होगा, फिर 2 ट्रैवर्स होगा, फिर हमारा ये 7, फिर 4, फिर हमारा ये 1 ट्रैवर्स होगा, फिर हमारा 9, फिर हमारा 8। हमारी सारी की सारी लीफ नोड लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ट्रैवर्स होगी। सिमिलरली अगर इस वाले बाइनरी ट्री पर देखें, सबसे पहले 3 ट्रैवर्स होगा, फिर 5 ट्रैवर्स होगा, फिर हमारा 6 ट्रैवर्स होगा, फिर 7 ट्रैवर्स होगा, फिर 1 आएगा, फिर हमारा 4 आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, फिर हमारा 9 आएगा, फिर हमारा 8 आएगा। इसमें भी हमारी सारी की सारी लीफ नोड लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में ट्रैवर्स हुई। तो हम क्या करेंगे, हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जब भी हमें कोई लीफ नोड मिलेगी उसको एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ये काम हम पहले ट्री के लिए करेंगे, सेम काम हम दूसरे ट्री के लिए करेंगे। फिर हम हमारे दोनों वेक्टर को कंपेयर कर लेंगे, अगर सेम आ रहे हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हमें बाइनरी ट्री की लीव्स को स्टोर करने के लिए वेक्टर चाहिए, तो हमें दो बाइनरी ट्री की लीव्स को स्टोर करना है, तो हमने दो वेक्टर ले लिए। पहले हमने फर्स्ट बाइनरी ट्री पर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाया, फिर हमने सेकेंड बाइनरी ट्री पर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाया, और लास्ट में दोनों वेक्टर को कंपेयर कर लिया, अगर सेम है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमारा होता क्या है, अगर हमारी रूट नल हो जाए तो हमें रिटर्न मार जाना है, अदरवाइज सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट पर जाते हैं, फिर लेफ्ट, फिर राइट, इस ऑर्डर में जाते हैं। रूट पर जब जाएंगे तो हमें ये चेक करना है कि क्या वो लीफ नोड है या नहीं है। लीफ नोड कब होगी, जब उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल होगा और राइट चाइल्ड भी नल होगा। अगर वो लीफ नोड है तो हमें उसे वेक्टर में स्टोर करना है, हम हमारे वेक्टर में उसे स्टोर कर लेंगे, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री पर जाएंगे, फिर उसके राइट सब ट्री पर जाएंगे। इस तरह से हमारे पास दोनों बाइनरी ट्री का लीफ का सीक्वेंस आ जाएगा लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, और उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी, हमने दो बार प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाया, प्री ऑर्डर की टाइम वेलोसिटी क्या होती है, ओफ एन, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओफ एन। और हमारी स्पेस वेलोसिटी क्या रहेगी, एक तो हमारे रिकर्शन के लिए ओफ एन, उसके अलावा हम लीव्स को स्टोर करने के लिए दो वेक्टर ले रहे हैं, इनको भी हम वर्स्ट केस में ओफ एन मान सकते हैं। हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ओफ एन। थैंक यू गाइस।